Hello everyone, welcome to the online classes. Now today I will going to start second sum of NPO. Already I have uploaded the first sum of the NPO. Now we will begin with the second sum. So now what is given in the sum? Lalit Kala Kendra, Lalit Kala Kendra, Mumbai gives you the following information for the year ended on 31st March 2013. You are required to prepare income expenditure account for the year ending on 31st March 2013 and second balance sheet as on 31st March 2013. So you have to prepare income expenditure and you have to prepare balance sheet. Now in the first sum, we have prepared only, we have to ask to prepare to only income and expenditure account, right? Here we have to prepare income expenditure and balance sheet, right? Now what is given in the question? We have given the question receipts and payment account and that's additional information. Understood? Now अब receipt payment में तुमको बताया है कि receipt payment में capital revenue और capital receipt, capital payment, revenue receipt और revenue revenue payment दोनों include रहते हैं, right? तो अपने को income expenditure में सिर्फ और सिर्फ revenue receipts और revenue payment ही include करना है और सिर्फ सिर्फ current year का ही add कर, current year का ही सिर्फ record करना है, बाकी कौन से भी year का अपने उससे मतलब नहीं है, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं, कौन सी चीजें कहाँ पे जाएगी, स्टार्ट कर लेते हैं। रिसीव पेमेंट है, राइट, क्रॉस इफेक्ट होता है, मैंने फॉर्मेट बना के रखा हुआ है एक्सपेंडिचर इनकम का, राइट। रिसीव जाएगा इनकम साइड में, पेमेंट जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में, सिर्फ रेवेन्यू रिसीव और रेवेन्यू रेवेन्यू पेमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस को अपने कुछ लेना देना नहीं है कि पिछले साल का, ये क्लोजिंग है, राइट, अपने को सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस से मतलब है, अंडरस्टूड। तो ये क्लोजिंग बैलेंस तुम्हारा कहाँ दिखेगा, ये वाला क्लोजिंग में तुम्हारा दिखेगा बैलेंस शीट के असेट साइड, ठीक है, इसको हम बाद में रिकॉर्ड करेंगे, ध्यान रखना है ये हम लोग कहाँ दिखेगा बैलेंस शीट के असेट साइड में, अंडरस्टूड, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं, पहले देख लेते किस पे एडजस्टमेंट है, कैपिटल फंड किया हुआ तुम कहाँ लिखेंगे, लीगेसी आर टू बी कैपिटलाइज्ड, वेयर इज लीगेसी, लीगेसीज आर टू बी कैपिटलाइज, तो लीगेसी ये अमाउंट रहा, ठीक है, इसको हमें पूरा कैपिटलाइज करना है, कैपिटलाइज मतलब इसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है, लीगेसी पहले हम रिकॉर्ड कर लेंगे, बाद में उसको हम लोग एडजस्टमेंट डालेंगे, वहाँ से माइनस करके कैपिटलाइज, ये तुम्हारा जाएगा इनकम साइड में, लीगेसी जाएगा तुम्हारा इनकम साइड 11,000, इसको इनर कॉलम में लिखेंगे, बाद में उसको लेस करके कैपिटलाइज लिखेंगे, फिर इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। सो एक इसको मार्क करके रखो, तुम्हारा इसके ऊपर बैलेंस, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो एक लाइन अपने छोड़ना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, दैट इज सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सो सैलरी, हाँ ये पेमेंट साइड में सैलरी, तो सैलरी मुझे सैलरी मैंने पे किया है, राइट, तो सैलरी पेड करें तो इसमें क्या अपना आउटस्टैंडिंग, ये आउटस्टैंडिंग अपना क्या करंट ईयर का है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या होगा, हमेशा करंट मुझे क्या होगा, इसके अंदर एडअप होगा, ठीक है, तो अपना जो पेमेंट है वो क्या है, आउटस्टैंडिंग है, तो अल्टीमेटली इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, तुम्हारा लाइबिलिटी में, क्योंकि हमारे लिए क्या है वो लाइबिलिटी है, मैंने अभी सैलरी अपने जो जो भी एनजीओ है उन्होंने अभी सैलरी अपनी पेडअप नहीं की, आउटस्टैंडिंग करंट है, क्योंकि इसमें एडअप होगा, सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड, ठीक है। तो एक एडजस्टमेंट इसके ऊपर, एक एडजस्टमेंट लीगेसी के ऊपर। नाउ एंट्रेंस फीस, नाउ एंट्रेंस फीस पे 1900 है, इस पे 50% अमाउंट कैपिटलाइज बोला हुआ है, तो एंट्रेंस फीस का 50% अमाउंट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, राइट, तो इसको भी एडजस्टमेंट है, इसको भी मार्क करके रखो, इससे तुम्हारा क्या है, इसके दो इफेक्ट होने हैं, इसको इनर कॉलम में लिखना है, ठीक है। सो मैं पोस्टिंग करना स्टार्ट करता हूँ, पहले रिसीप्ट साइड को पकड़ता हूँ, रिसीप्ट को स्टार्ट करता हूँ। नाउ फर्स्ट क्या है अपना, टू लॉकर रेंट, इनकम साइड आ जाओ, टू लॉकर रेंट है अपना, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉकर रेंट, राइट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लॉकर रेंट, दैट इज 500, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लॉकर रेंट, दैट इज 500। नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज योर एंट्रेंस फीस, तो वी हैव एडजस्टमेंट ऑन एंट्रेंस फीस, तो राइट बाय एंट्रेंस फीस, तो राइट दिस अमाउंट इन इनर कॉलम, द अमाउंट इज 1900, द अमाउंट इज 1900, तो एंटर इट, राइट, एक इस पे छोड़ के रखेंगे, नेक्स्ट कॉलम पे चलते हैं, टू सेल ऑफ ओल्ड पेपर, ये भी अपना रिसिप्ट है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर,
right? By sale of old newspaper. Now IKEA to receive from Brahma, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, by receipts for Brahma. अच्छा ऐसा receipt Brahma होता है खर्चा भी हुआ होगा, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे अपने दिया हुआ है क्या Brahma का खर्चा हुआ है, जो कि receipts expense, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है by expense of Brahma, तो presentation में part है, तो receipt जितना आएगा, receipt कितना है 7,850, इसमें से क्या करना है अपने को लेस कर देने का, यहाँ पे क्या करने का, यहाँ पे नीचे आ जाओ एक मिनट, यहाँ नीचे आ जाओ, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग लेस कर देंगे, क्या करेंगे हम उसको लेस कर देंगे, यहाँ से लेस करके चलते हैं, तुम चाहो तो उसको यहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड पे रिकॉर्ड कर सकते हो, कोई रॉन्ग नहीं देगा, ये एक्सपेंस ऑन Brahma को यही रिकॉर्ड होगा, लेकिन हम यहाँ लेस कर देंगे तो अल्टीमेटली सेट ऑफ हो जाएगा चीजें ये, तो लेस एक्सपेंस ऑफ Brahma कितना एक्सपेंस हुआ सर, देख लो सर कितना एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस हुआ है सर 3,350. Now this amount we have to minus here. So what is the remaining amount? Which remaining amount will be come in outer column? What is the remaining amount? Remaining amount will come minus 4,500. 4,500. Right? Now to legacy. To legacy, legacy we just mean have to pass capitalize karna hai usko. To legacy pe aajao. Yahan pe likhenge by legacy. Wait. By legacies, right? Spelling mistake okay, sorry. By legacies. Now, what is the amount of legacies? 11,000. Write down 11,000. So we have to capitalize entire amount, right? We will do afterwards. Write down. For now, write down this in column. Now, to miscellaneous by to miscellaneous receipt. यहाँ पे लिखेंगे हम लोग. By miscellaneous short form में लिखता हूँ मैं यहाँ पे receipts amount कितना है 800 amount 800 ठीक है मैंने ये सब record कर लिया इस side का अब इस side आ जाओ payment side में आ जाओ पहला क्या है अपना stationery क्या लिखूँगा मैं to stationery amount 500 rupees next फर्नीचर परचेस्ड अब यहाँ पे क्या आया फर्नीचर परचेस्ड तो ये फर्नीचर परचेस के मैंने असेट्स परचेस किया अंडरस्टूड तो अल्टीमेटली ये मेरा क्या हो जाता है ये मेरा क्या हो जाएगा असेट हो जाएगा ये मेरा क्या कैपिटल कैपिटल हो गया राइट ये मेरा कैपिटल पेमेंट हो गया रेवेन्यू पेमेंट नहीं हो गया मेरा क्या हो कैपिटल पेमेंट हो गया तो मैंने असेट्स क्रिएट कर लिया उसको कहाँ डालेंगे हम लोग असेट्स में डालेंगे तो यहाँ पे लेके आ जाओ असेट्स में आ जाओ यहाँ पे हम लिखेंगे furniture right what is the amount of furniture that is 5000 write down in outer column there is no adjustment on furniture right now by investment investment is also your asset right matlab investment capital ho gaya capital payment ho gaya right to ye bhi tumhara kya hoga assets mein count hoga to yahan pe likhenge hum log investment investment amount 10000 इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10,000 इसे हम जैसे फाइनल अकाउंट करते हैं वैसे ही करना है अपने कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं है बाय एक्सपेंस ऑन Brahma ऑलरेडी मैंने एग्जिस्ट कर दिया इसको बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम यहाँ लिखेंगे हम लोग टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम व्हाट इज द अमाउंट इज 250 राइट डाउन हियर 250 नेक्स्ट बाय मैगजीन एंड न्यूज पेपर्स यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टू मैगजीन्स एंड न्यूज पेपर्स राइट वॉट इज अमाउंट दैट इज 400 लास्ट वन सैलरी टू सैलरीज ध्यान रखना सैलरी पे एडजस्टमेंट है तो सैलरी एडजस्टमेंट अपने क्रिएट करना है पहले इसको इन कॉलम में दिखेंगे कितना अमाउंट है 2,200 Now last part, it is your closing balance. It should be recorded in balance sheet asset side.
कैश इन एंड कैश इन बैंक, राइट, कैश इन एंड सीटेड कैश इन बैंक एंड कैश इन बैंक 11,000। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ लिखेंगे हम लोग कैश, कैश इन हैंड दैट इज 300 रुपीज। नाउ यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिखेंगे कैश एट बैंक, कैश एट बैंक दैट इज, कैश एट बैंक दैट इज 11,000। अंडरस्टूड? ठीक है, अब मैंने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, अब एडजस्टमेंट पे आ जाओ। नाउ कैपिटल फंड ऑन 1st April 2012 दैट इज 10,800। अभी 1st April 2012 की बात की है, अल्टीमेटली क्या हो गया, हम 13-14 ही बना रहे, सॉरी अल्टीमेटली क्या हो गया, एक मिनट बेटा, अल्टीमेटली क्या हो गया यहाँ पे, ये जो कैपिटल फंड होता है ये अपना पिछले ईयर के बैलेंस शीट से मिलता है अपने क्लोजिंग बैलेंस, राइट, जिसे हमको ओपन करना पड़ता है। तो कैपिटल फंड कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, यहाँ पे हम हेडिंग डाल देंगे कैपिटल फंड, कैपिटल फंड, राइट, कैपिटल फंड यूनिट कॉलम में 10,800 लिखेंगे, ठीक है। जितने हम चीज कैपिटलाइज करते हैं वो सब कैपिटल फंड के हेडिंग्स में आते हैं, राइट। अब जैसे हमने यहाँ पे लिगेसी 7 रुपये कैपिटलाइज, तो यहाँ पे लिगेसी है, इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे बेटा, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे लेस कैपिटलाइज, राइट, कैपिटलाइज करना है इसको, तो 11,000 पूरा माइनस हो जाएगा, 11,000 पूरा माइनस हो जाएगा, बाहर इधर हमारा क्या आ जाएगा, नील, राइट, तो 11,000 कैपिटलाइज हुआ, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे, यार इसके कॉलम में अंडर में लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट चीज कैपिटलाइज हुआ यहाँ पे, क्या हो गया, लीगेसीज, राइट, कंफ्यूज नहीं होगा, जितनी चीज़ हम कैपिटलाइज करते हैं वो चीज़ हम कैपिटल फंड के अंडर हेडिंग में लिखते हैं, सी, राइट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटलाइज, दैट इज 11,000, लीगेसीज का अमाउंट कितना है, 11,000, अंडरस्टूड। नाउ सेकेंड वन हो गया, थर्ड वन आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपीज 300, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी यहाँ पे 2000 यहाँ पे लिखा था, सैलरी हम लोग को आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो क्या करना है, उसको हमको ऐड करना है, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर क्या होगा, ऐड होगा, राइट, वेट का सॉरी मिस्टेक, वेट, आउटस्टैंडिंग क्या होगा, ऐड होगा, क्या लिखेंगे हम लोग, ओ स्लैश एस आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, और सैलरी ऑफ करंट ईयर साइड 3.1, ध्यान रखना करंट ईयर का, ये कितना आउटस्टैंडिंग हुआ सर, आउटस्टैंडिंग हुआ है 300 रुपीस, तो यहाँ पे 300 रुपीस रिकॉर्ड करना है अपने को, दैट इज 300 रुपीस, आउटर कॉलम अमाउंट कितना आएगा 2,500, राइट, दिस इज आउटस्टैंडिंग सैलरी, दिस इज लायबिलिटी फॉर अस, तो ये विल बी राइट आउटस्टैंडिंग सैलरी दैट इज 300 रुपीस, राइट डाउन इन आउटर कॉलम, अंडरस्टूड। नाउ 50% ऑफ एंट्रेंस फीस हैज टू बी कैपिटलाइज, राइट, वी हैव टू कैपिटलाइज एंट्रेंस फीस, सो हियर वी हैव टू माइनस 50%, व्हाट इज द 50% ऑफ 1900, 50% कैपिटलाइज, कैपिटलाइज, राइट, 50% कितना होगा इसका, 15% होगा इसका 950, अंडरस्टूड, कितना होगा ये 950, क्या होगा अपने को लेस करना है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अपने को लेस करना है, तो आउटर कॉलम अमाउंट कितना हो जाएगा 950 हो गया, ठीक है, सेकंड इफेक्ट जाएगा इसका इधर ही आएगा, यहाँ पे सेकंड पॉइंट तुम्हारा हो जाएगा एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस, ठीक है, कितना एंट्रेंस फीस हो गया सर, हो गया सर एंट्रेंस फीस अपना हो गया 950 हम लोगों ने लेस किया वहाँ से, तो यहाँ पे ऐड अप कर देंगे, अंडरस्टूड, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, अब यहाँ से अपने को प्रॉफिट एंड लॉस निकालनी है, क्या निकालना है अपने को, यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, सो कैसे निकलेगा, विच वन इज हैवियर, आई थिंक सो दिस वन इज, क्रेडिट साइड इज हैवियर, राइट, क्रेडिट साइड का अमाउंट कॉलम कितना है यहाँ पे, अमाउंट कितना होगा 6,900, 6,000, राइट डाउन यहाँ 6,900,
right? And here also 6,900. Now minus this all amount from 6,900. So what will we get? We will get 3,250, right? That is your surplus. That is your surplus. Understood? That is your surplus. मैं क्या लिखेंगे? To surplus, right? तो ये surplus क्या होगा? Surplus तुम्हारा capital fund में ही add होता है. तो यहाँ पे हम add कर देंगे surplus करके, right? कितना amount add होगा यहाँ पे? 3,250, right? Now add all this amount. Now what will you get? We will get by adding this all amount 26,000. We will get 26,000, right? कितना मिलेगा अपने को? 26,000. अब क्या करना है अपने को? अपने को अभी ये सब क्या करना है? Tally करना है. Tally करेंगे तो दोनों साइड से आना चाहिए. Tally करने में अमाउंट कितना आएगा? Add कर लो 10, 21, 26, 26,300, right? पहले अमाउंट रहेगा अपना 26,300. सो यहाँ पे भी वही अमाउंट आ रहा है 26,300. सो वी हैव फिनिश्ड दिस सम बाय टेलिंग द बैलेंस शीट. होप यू ऑल अंडरस्टैंड द सम्स व्हिच आई हैव सॉल्वड. ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा एक लेवल सम ऊपर और जाऊंगा. ठीक है, मैं अपने हर एक वीडियो में सिर्फ एक एक ही सम सॉल्व करूंगा. ठीक है, इससे तुमको इजी होगा समझने में कि हर सम का लेवल क्या क्या है. इसके जो अगला सम मैं सॉल्व करूंगा उसका लेवल थोड़ा ऊपर रहेगा. अंडरस्टूड? होप तुमको ऐसा वीडियो समझाओ. ठीक है, कोई समझाना हो तो तुम कमेंट करके कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो.